तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स हम पढ़ने के बाद से इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम करते हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इसमें तीन चीज़ पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और तीसरा टॉपिक होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी हम कई तरीक़ों से निकाल सकते हैं, तो इसमें हमें पढ़ना है बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमें पूछे जाते हैं 9 नंबर में, जिसमें कि ये जो होता है आपका सेक्शन पूछा जाएगा 3 नंबर में, 3 से 4 नंबर में, और ये जो केवल ये वाला है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये 5 से 6 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वेटेज के हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है मेरा दोस्त कि मैट्रिक्स, ये उन बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा जो लॉजिकली सोच पाते हैं कुछ, क्योंकि इसमें सोचने वाली चीज़ें हैं और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती हो तो मैट्रिक्स सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो है एक एरिया होता है जिसको एरे बोलते हैं, इसमें कुछ नंबर फिट होते हैं, जैसे कि 4, 5, 4, 6, 9, 3, 2। इसको हम देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो ये मैट्रिक्स एक एरिया होता है, रेक्टेंगुलर एरिया, जिसमें कुछ नंबर, रियल नंबर इसमें फिट होते हैं। इन रियल नंबर, ये रियल नंबर को हम एलिमेंट कहते हैं। ये मैट्रिक्स के लिए ये जो नंबर फिट हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो पहला, ये जो एरिया के अंदर, इसमें एरिया जो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे सर्कल वगैरह, रेक्टेंगुलर वगैरह, तो रेक्टेंगुलर एरिया होता है। तो रेक्टेंगुलर एरिया हम कैसे निकाल पाते थे, वहाँ पे एल इंटू ब्रेथ करते थे। तो यहाँ पर भी ये रो और ये कॉलम होता है, यहाँ पे थोड़ी सी हम देखेंगे। तो इसको रो को हम R1 R2 कह लेंगे, कॉलम को C1 C2 C3 कह लेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, रो कुछ भी हो सकता है और कॉलम भी कुछ भी हो सकता है। रो को बेसिकली हम दिखाते हैं एम से और कॉलम को हम बेसिकली दिखाते हैं एन से। तो एम और एन ये क्या है, ये एम और एन, ये एम जो है रिप्रेजेंट करता है रो को और एन जो है रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो हम समझ गए होंगे इतना कि मैट्रिक्स कुछ है नहीं, यहाँ पे बस एक एरिया होता है जिसमें कुछ एलिमेंट, रियल नंबर भरे होते हैं, और ये जो नंबर जो भरे जाते हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और जिस तरह से हम रेक्टेंगुलर में लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे एरिया निकालने के लिए, यहाँ पे कुछ फिट जो नंबर हैं इनको डिनोट किया जाता है, ये वाली जो हैं ये रो हैं और ये कॉलम हैं। तो रो को हम डिनोट करेंगे आर से और कॉलम को डिनोट करेंगे सी से, और जो नंबर भरे जाते हैं एलिमेंट हैं और ये क्या होते हैं इनको थोड़ा सा देखेंगे। तो हम, ये होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रोज क्या है, एम, तो एम इंटू एन, ये क्या है हमारे ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम निकाल सकते हैं आराम से कि जितने रो होंगे वो मल्टीप्लाई कॉलम। तो रो और कॉलम का अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारे होते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट को जो होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए ए ए ए, ठीक है। और हर एलिमेंट का रो और कॉलम डिफाइन होता है, जैसे कि हर किसी का जो घर है वो डिफाइन है कि नहीं, कि इस गली में जाना है, फिर इस गली से अगले वाले गली में जाना है, इस घर के बगल में है, तो इस तरीके से डिफाइन होता है हम लोग सभी का घर। तो इसी तरीके से जो ये एरिया के अंदर जो एलिमेंट भरे हैं, हर एलिमेंट का कुछ एड्रेस है, तो इस एलिमेंट का एड्रेस, एलिमेंट को हम दिखाते हैं ए से, जैसे हमारा नाम है उसी तरीके से इसका भी नाम ए है, और हमारा कुछ एड्रेस है उसी तरीके से इस एलिमेंट का एड्रेस है। इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, इस एलिमेंट का जो एड्रेस है वो आई और जे से दिखाते हैं। आई और जे क्या है इसको थोड़ा सा देखेंगे हम।
जैसे कि आई और जे, जैसे कि हम हमारे घर में हमारे फैमिली हैं, हमारे माता पिता हैं, तो पहले हमारे माता पिता को जाना जाता है, उसके बाद हमको जाना जाता है। तो जैसे कि उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले मैट्रिक्स को देखेंगे, और मैट्रिक्स का एड्रेस क्या है, मैट्रिक्स के एड्रेस को हम बोलते हैं ऑर्डर, और यहाँ एलिमेंट के एड्रेस को, एलिमेंट और एड्रेस, एलिमेंट के एड्रेस जो होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता को जाना गया, हमारे माता पिता के बाद जब बच्चे को जाना जाएगा तो उसी को एलिमेंट बोल रहा है। और एलिमेंट के एड्रेस क्या है, आई और जे से हम दिखा रहे हैं। आई और जे क्या है, आई और जे भी कुछ नहीं है, इनका नाम ही है, एड्रेस है। तो आई, आई यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ये जो है, ये R1, R2, R3, और यहाँ पे है C1, C2, C3। तो हम पहले इसके घर पहुँचे M और N के पास, तो यहाँ पे हमें मिला क्या, रो कितने हैं देखें, तीन, और कॉलम कितने हैं, तीन। तो ऑर्डर तो हमें मिल गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल गया, इसके माता पिता तो मिल गए, तीन तीन, 3x3 का मैट्रिक्स है। और इसके जब लड़के के पास गए, यानी कि एलिमेंट के पास गए, तो इसका हम देखेंगे कि इसका एड्रेस क्या है। तो इसका एड्रेस यहाँ से और यहाँ से देखेंगे, तो यह इसका रो क्या है, R1, यानी कि आई के जगह पे यहाँ पे वन है, और कॉलम क्या है, कॉलम भी इसका वन है, तो वन वन ए वन वन, यानी कि इसका एड्रेस मिल गया, कि ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस मिला हमें कि पहले रो में पहले कॉलम पे है, पहले रो में पहले कॉलम पे है। इसका बताइए, पहले रो में दूसरे कॉलम पे है, पहला रो दूसरा कॉलम, इसका एड्रेस पहला रो तीसरा कॉलम, इसका दूसरा रो पहला कॉलम, उसी तरीके से दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हम सीख गए होंगे। ये बात समझ में आ रही होगी, तो आगे बढ़ते हैं कि रो और कॉलम समझ गए, ऑर्डर समझ गए, मैट्रिक्स क्या होती है ये समझ गए। मैट्रिक्स जो होता है, एक एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया में जो नंबर फिट होते हैं, ये नंबर हमें याद होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे कि 0, 1, 2, -1, -3, इस तरीके के नंबर इसमें फिट होने चाहिए। रो और कॉलम के कंसेप्ट को अगर हम समझ चुके हैं अच्छे से, तो यहाँ पे एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एलिमेंट बताइए, पहले A11 बताना है, A33 बताना है, A43 बताना है, और हमें बताना है A21। इसमें एलिमेंट बताने हैं, एक मैट्रिक्स दिया गया है A12। तो हम पहला क्या है, अभी हम बताए थे कि रो है दूसरा कॉलम है, तो ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे हम एक बार दिखा लेंगे अगर हमको समझ नहीं आया तो, कि ये R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो यहाँ पे एलिमेंट जो पूछा गया है, पहला पहले एलिमेंट जो पूछा गया है, पहला रो दूसरा कॉलम होना चाहिए, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे एलिमेंट जो है, इसी एलिमेंट को यहाँ पे एग्जैक्ट लिख देना है। एलिमेंट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। A33 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरे रो पे जाएंगे, ये तीसरा रो है, ये तीसरा कॉलम है, तीसरे रो पे तीसरे कॉलम पे जाएंगे। इसका जो एलिमेंट जो यहाँ लिखा गया है 4, इसी एलिमेंट को यहाँ पे डिनोट करना है। तो 4 है, तो 4 हम लिखेंगे। A43, यहाँ पे 4 जो है भैया, रो है ये कॉलम है, हम जानते हैं इतना, और यहाँ पे क्या हमसे कह रहा है, 4, 4 कह रहा है रो की जगह पे 4, जबकि यहाँ पे हम रो देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 3 रो ही है बस, 1, 2, 3, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या, 4, 4 रो पूछा जा रहा है। तीसरा कॉलम तो है, कॉलम यहाँ पे 4 रो 3 कॉलम, तो 4 तो है, चौथा रो तो नहीं है, लेकिन तीसरा कॉलम है। तो एक भी इसमें से नहीं मिले तो भी हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, इस नंबर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें रो और कॉलम दोनों मिलना, एग्जैक्ट हमें मिलेगा तभी हम लोकेशन पे जा पाएंगे उस। तो चौथा रो जो है हमें इसमें नहीं मिला, और ये क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि चौथा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो इसको हम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें जो है हमारा रो नहीं मिल रहा था। उसके बाद पूछा गया है, सॉरी, इस एलिमेंट को ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से, A21 पूछा गया है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट का नंबर क्या है, 6, यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। ये क्वेश्चन
अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह के छोटे छोटे बस क्वेश्चन पूछे जाएंगे रो और कॉलम के।